गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, द वेकेशन ट्रैवल्स जे पे। बहुत एक सडन गैप के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कुछ बिजी चल रहा था, ऑफिस वगैरह बहुत टाइट शेड्यूल था, तो मैं ट्रैवल नहीं कर पाया था। बट यस, द टाइम हैज़ कम। अभी एक टाइम आ गया है और एक डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करने का, आप सभी को मेरी आंखों से वो सब दिखाने का। मैं जा रहा हूँ एक लंबी टूर पे, केदारनाथ, बद्रीनाथ एंड सतोपंत लेक। ये 10 दिन की ये मेरी संपूर्ण यात्रा रहेगी। मैं ये यात्रा कर रहा हूँ मेरे कज़िन ब्रदर्स ब्रदर के साथ, और टोटल 10 दिन का ये टोटल ट्रैवल प्लान है। हमेशा की तरह एक एक छोटी छोटी डिटेल आप लोगों से के साथ मैं शेयर करूँगा, जिससे आप अगर प्लान करते हो ये डेस्टिनेशन के लिए तो आपके लिए इजी हो जाएगा। जय केदार, जय बद्री विशाल, हर हर महादेव। मेहसाणा आके रुके हुए, थोड़ा गाड़ी में इश्यूज चल रहा है, बार बार हिट मार रही है, तो बेटर है कि एक बार दिखा के फिर आगे बढ़े। अगर नहीं होगा तो फिर अहमदाबाद जाके गाड़ी एक्सचेंज करके फिर और गाड़ी में निकलना पड़ेगा। सर्विस करवाई थी, फिर भी ये इश्यूज हो रहा है, तो आई डोंट नो, आपको लगता होगा भाई सर्विस नहीं करवाई, बट सर्विस करवा के ही हम निकले थे, फिर भी ये इश्यू आ रहा है, तो लेट्स सी क्या होता है। लॉन्ग वे टू गो। ये जो जर्नी है हम पूरी बाय रोड कर रहे हैं, यहाँ से बद्रीनाथ तक जाएंगे, केदारनाथ जाएंगे बाय रोड। टोटल 9-10 दिन स्पेंड करना है। देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। जय बद्री विशाल। 3 बज चुके हैं सुबह 8 बजे से, हम यहाँ महिंद्रा के शोरूम पे है, सर्विस सेंटर पे। गाड़ीज़ में इश्यूज थे, वो सब ठीक करवा रहे थे। रेडिएटर्स की कुछ पाइप निकल गई थी और रेडिएटर को क्लीन करके फिर उसमें कूलेंट वगैरह करना था, और थोड़ा नॉर्मल चेकअप था, तो वो कराते कराते अभी 3 बज गए। अभी 3 बजे अभी हम निकलेंगे यहाँ से। अभी कंटिन्यू दिल्ली के लिए चलना है, क्योंकि ऑलमोस्ट आधा दिन तो ऐसे ही निकल गया और लेट भी हो चुके हैं हम। जो हमारा प्रोग्राम प्लान था अकॉर्डिंग टू प्लान, कल सुबह तक हरिद्वार पहुँचे और हरिद्वार से फिर कल इवनिंग तक हम पहुँच जाएँ बद्रीनाथ, वो एक प्लान था। बट अभी देखते हैं अभी किस तरह से क्या सिचुएशन बनती है, क्योंकि बारिश भी, मॉनसून का भी सीज़न है और हाई अलर्ट भी है उत्तराखंड में, तो वो सब देख के अभी देखते हैं कितने टाइम पे पहुँच सकते हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एज ऑफ नाउ वी आर एंजॉयिंग हियर इन मेहसाणा। सी यू सून गाइस। आप मेरे चैनल पे बने रहिए। ये मैं पूरी केदारनाथ, बद्रीनाथ और सतोपंत की पूरी सीरीज़ में रखने वाला हूँ आपके सामने। मेरा एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा, पूरा आपको डिटेल में माहिती देने की कोशिश करूँगा। जय बद्री विशाल, जय केदारनाथ, हर हर महादेव। रात के 9:30 हुए हैं, 9:30 बजे है। ब्यावर से पहले एक होटल पे थोड़ा होल्ड लेके खड़े हैं। नॉन स्टॉप गाड़ी चला रहे थे तो थोड़ा थक भी गए थे, बुक भी लिखी थी, तो फिर डिसाइड किया कि डिनर करके फिर आगे जाया जाए, क्योंकि अभी पूरी नाइट ड्राइव करना है। देखते लेट्स सी कब तक, अर्ली मॉर्निंग तक हरिद्वार भी पहुँच जाएँ तो बढ़िया रहेगा, फिर हरिद्वार में थोड़ा रेस्ट करके फिर आगे की जर्नी जो है बिगिंस करेंगे। सो एज ऑफ नाउ ब्यावर से थोड़ा कुछ 25 किलोमीटर पहले ही हम रुक चुके हैं। सो अब
बने रहिए मेरे चैनल पे, और जिन लोगों ने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने इससे पहले मैंने नर्मदा परिक्रमा की है, पूरे ब्लॉग्स डाले हुए हैं नर्मदा परिक्रमा के रिलेटेड, ये भी मैं एक एक डिटेल्स की आपको जानकारी दूंगा। जय बद्री विशाल, जय केदारनाथ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के 8 बजे है, दिल्ली से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर है, फ्रेशन अप के लिए रुके हुए हैं। रात को ड्राइव नहीं किया क्योंकि सब थके हुए थे और रेस्ट भी ज़रूरी था, तो दो तीन घंटे थोड़ा रेस्ट लिया, 5 बजे फिर से स्टार्ट किया है। एक्चुअली प्लान के हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी आज सुबह हम हरिद्वार होना चाहिए था, बट जो हुआ नहीं बिकॉज ऑफ जो वो गाड़ी का इश्यूज़ वगैरह हुआ था। अभी ये है कि आप शाम तक हम हरिद्वार पहुँचेंगे या हरिद्वार से आगे भी निकल जाए तो जहाँ भी हम पहुँचेंगे वहाँ पे एक स्टे करके रुक जाएंगे, फिर नेक्स्ट डे आगे फिर हम केदारनाथ के लिए निकल जाएंगे। तो ये प्लान है, अभी एक दिन हम लेट चल रहे हैं अंडरस्टैंड, बट एक बफर डे ही लेके हम चल रहे थे, कुछ भी प्लस माइनस होता है। तो एक्चुअली गाड़ी में प्रॉब्लम हुआ, अदरवाइज तो हम आज हरिद्वार होते। कोई नहीं, एनीवेज जो होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान परीक्षा तो लेता ही है, तो एक और ये परीक्षा सही। जय बद्री विशाल, जय केदारनाथ। वे टू हरिद्वार। अभी हम दिल्ली से सीधा यूपी में एंटर हो गए, अभी ये यूपी उत्तर प्रदेश की बॉर्डर चालू हो गई है। अगर आप यहाँ से लेफ्ट मुड़ जाते हैं तो गाजियाबाद है, ये सीधा जो रास्ता जा रहा है ना वो सीधा मेरठ जाएगा। वेलकम टू उत्तर प्रदेश। अनंग भ्रमद भोगी भूषा विशेषै अचंद्रार्थ चूडैरलं दैवतैर्नः। वेलकम टू हरिद्वार। अभी ये होटल में रुके हुए, श्री गो होटल्स में रुके हुए हैं। अब यहाँ से मैं हर की पौड़ी जा रहा हूँ, हर की पौड़ी गंगा में स्नान वान करके फिर वापस होटल पे आ जाऊँगा। थोड़ा होटल्स में मिलने में प्रॉब्लम हो रहा था, बट फाइनली हो गया, एक होटल से दूसरे होटल शिफ्ट कराएगा, तो वो थोड़ा एक हेक्टिक शेड्यूल था, बट अभी फाइनल है। हम ऑटो करके मैं जा रहा हूँ हर की पौड़ी, 2 ऑटो की है बस, ये ऑटो से मैं हर की पौड़ी जाऊँगा, गंगा जी में स्नान करके वापस आरती वगैरह करके वापस यहाँ आ जाऊँगे पर गंगे। जहाँ पे मेरा होटल स्टे है वहाँ से ऑटो करके आया हूँ एक हर की पौड़ी जाने के लिए। हर की पौड़ी में थोड़ा एक एक्सटेंड लेवल पे आपको वहाँ छोड़ देते थे, फिर वहाँ से आपको चल के जाना है 1 किलोमीटर हर की पौड़ी तक। कितना क्राउड है हर की पौड़ी पे, अभी गंगा आरती का टाइम हुआ है इसलिए इतना ज़बरदस्त भीड़ है यहाँ पे, आप देख सकते हो। अभी आरती का टाइम 6:30 का है, बट स्टिल यू कैन सी द क्राउड, इतनी सारी भीड़। जय गंगा। देखिए कितना मैया का प्रवाह कितना जबरदस्त है। मैया की आरती की तैयारियां हो रही है।